भिलाई के सोनिया गांधी नगर वार्ड में शासकीय राशन दुकान पर विधायक प्रतिनिधि द्वारा गरीबों का राशन की कालाबाजारी किए जाने का आरोप लगाते हुए वार्ड 38 के पार्षद ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। भिलाई के सोनिया गांधी नगर वार्ड में स्थित शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान से जो उजाला महिला स्व सहायता समूह के नाम से संचालित है, उसमें भिलाई निगम के पार्षद पीयूष मिश्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस पार्षद के नाम से आवंटित राशन दुकान पर विधायक प्रतिनिधि ने मिलकर गरीबों के अधिकार का राशन की कालाबाजारी की है, जिसके कारण वहाँ के कार्ड धारकों को उस दुकान के बंद होने के कारण दूसरी दुकानों से राशन लेना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत करने पर खाद्य विभाग ने छापा मार कर दुकान की जांच की तो दुकान में पूरा राशन बिका हुआ पाया, जिसके चलते इस कॉपरेटिव के ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, लगातार जो कार्ड हितग्राही हैं, गरीबी रेखा के कार्ड धारक, उनके द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही थी कि जो राशन दुकानों में उनके कार्ड जिस राशन दुकानों में अटैच है वहां से उनको राशन नहीं दिया जा रहा है, और लगभग 3-4 माह से वो राशन दुकानें बंद थी। तो हमने ऐसी 5-6 दुकानें जिनमें स्टॉक माइनस था, जिन लोगों को दुकान नहीं खोल रहे थे और अपना स्टॉक उठा करके बाहर कालाबाजारी करके बेच दिए थे, उनकी शिकायत की है। और उस शिकायत पर कलेक्टर महोदय के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने वहाँ पर छापामारी कार्रवाई की और जाँच की दुकान की। जाँच में पाया गया कि उन दुकानों में राशन जो होना चाहिए था, जो स्टॉक होना चाहिए था, वो नहीं है। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये जानकारी दी कि 4-5 माह से ये राशन दुकानें कंटिन्यूस बंद है, और वहाँ पर जो खाद्यान्न का जो होना चाहिए था, जो स्टॉक होना चाहिए था, वो नहीं था। और एक दुकान में हमारी शिकायत के बाद उनको जानकारी हो गई थी तो कुछ खुले बोरे जो है वो राशन ला करके वहाँ चावल के रखे गए थे। सरकारी खाद्य विभाग से जो खाद्यान्न आता है उसकी बोरियाँ खुली नहीं रहती, वो सील पैक होती है। नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम से जो चावल भेजा जाता है, जो खाद्यान्न भेजा जाता है, वो बोरियाँ सील पैक रहती है, उसमें उनकी मुहर रहती है। तो वो जो बोरियाँ वहाँ मिली भी, वो खुली हुई मिली, उनको रस्सी से बांधा गया था। तो ये जो दुकानें हैं वो विधायक के प्रतिनिधि हैं और दो कांग्रेस के पार्षद हैं उनका है, और इनके विधायक के संरक्षण में, भिलाई विधायक के संरक्षण में ये पूरा गरीबों का खाद्यान्न कालाबाजारी करके बेचने का जो कारोबार है, जो खेल है, ये किया जा रहा है। और उसी के उन लोगों के ऊपर कार्रवाई, मतलब उन दुकानों का आवंटन निरस्त करे प्रशासन, क्योंकि कार्रवाई में पाया गया है। और जो पार्षद हैं उन पार्षदों के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए, इस मांग को लेकर आज हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं और उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर हैं। आप सब ने पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कुर्सी पार की दो खाद्यान्न दुकानें 42-11 और 42-13, जिसका संचालन विधायक प्रतिनिधि की पत्नी जो वर्तमान में पार्षद है, और दूसरा भी जो समिति के संचालन कर रहे हैं वो भी पार्षद पत्नी है, पार्षद हैं, दोनों पार्षद गण के द्वारा संचालन किया जा रहा था। और जब वहां पर कार्रवाई की गई तो उसमें कालाबाजारी पाई गई, जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा का चावल घोटाला सामने आया है। इसके विरोध में आज हम सब कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि इस पे जल्द जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उनकी पार्षदी है, क्योंकि कोई भी सरकारी संस्था को अपने पार्षदी कार्यकाल में वो साथ में संचालित नहीं कर सकते, उसके लिए उनकी सदस्यता को रद्द करते हुए पार्षदी को शून्य करने की मांग हम लोग करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।